हरदोई में लॉकडाउन के चलते देसी शराब के बंद हुए ठेकों के बाद ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब का धंधा जबरदस्त फल फूल रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग ने छापेमारी करते हुए करीब 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की है, जबकि लगभग 250 लीटर लहन नष्ट करवाया गया है और 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टडियावा थाना क्षेत्र के बरिहाना गांव में आबकारी निरीक्षक रविशंकर के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। यहां पर गांव निवासी अजय और तोले के घर से भारी मात्रा में शराब लहन और शराब बनाने के उपकरण प्राप्त हुए। टीम ने मौके पर ही लहन नष्ट करवाया, जबकि शराब को कब्जे में ले लिया। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। ग्राम बिरहना में आबकारी हरदोई एवं टडियावा पुलिस की संयुक्त दबिश दी गई, जिसमें लगभग 150 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई और 2500 किलोग्राम के लगभग लहन बरामद हुई। शराब को कब्जे में लिया गया तथा लहन को मौके पर नष्ट करा दिया गया। कुल 2 व्यक्तियों अजय और तौले के खिलाफ आबकारी अधिनियम 60 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे भी लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।